Yo, bros. Yo, 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 brother, yo. Yaar, aap sabhi logon ko hamara musical namaskar. Hai, hai, kya baat hai. Namaskar. Dawai ji, Visal ji, aap log judge hain, to hamara judgmental namaskar. Arre, kya baat hai. Sidhu ji, aapke liye hamara political namaskar. Kapil Sharma, aapke liye accidental namaskar. Karna nahi tha, accidentally ho gaya. Arre, vaise Javed ji, आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशन करना है. क्या हो गया? ये स्पेशल है. बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन बताते हैं आपको. अरे हमने पहली बार किसी रियलिटी शो में जज का वाइल्ड कार्ड एंट्री देखा है. ये बात है. कमाल. मान गए सर, मान गए. इससे बड़ा सरप्राइज हो ही नहीं सकता. ये हुई नब. नहीं मतलब हमको आपका शो अच्छा लगता है सर. इंडियन आइडल चालू हुआ, अच्छा लगा. फिर वो चल रहा है, फिर चल रहा है, फिर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है. सर उसके गुनाहगार ये लोग हैं, ये जो बैठे हुए हैं ये गुनाहगार हैं. हाँ, इनका भी है. इस आदमी का स्पेशली हम देखे सलमान को. भाई तुमको आइडिया है जो इतना लंबा तुम आलाप खींचते हो, हम देखे हैं. तुम्हारे लंबे आलाप की वजह से था 3 महीना खींच के ऐसे 7 महीना हो गए. सलमान तुम्हें पता है जब तुमने आलाप लेना शुरू किया इसके 10 बच्चे थे. आलाप खत्म हुआ इसके 11 हो गए. ये कौन सा बात हुआ सर? यू हैव टू नो कि बच्चे आलाप की वजह से नहीं मिलाप की वजह से होते हैं. इट्स अ बायोलॉजिकल रियलिटी. यू विल फेस इट सून. बच्चा तेरा आज यहां कैसे आना हुआ? बता देते हैं. ऐसे आना हुआ. ओए दिल पे लग गई बात सर. ये बात दिल पे लग गई. लगी ना सर. सवाल ही ऐसा पूछता है. सर हम भी म्यूजिशियन है सर. अब एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम कमाल का बजाते हैं, बड़ा मजा आता है. कौन सा? डोरबेल. ऐसा मजा. टिंग टोंग टिंग टोंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग ऐसा करते रहते हैं यार. वैसे लेकिन हमारे अंदर भी जुनून है सर सिंगिंग का. एक बार एक रियलिटी शो में गए थे सर हम, लेकिन हम वहां से निकल गए यार, मजा नहीं आया. क्यों यार? हम गाने लगे तो हमसे कहते हैं कि तुम्हारा सुर नीचा है, ये सुर ऊंचा है. हमने कहा जहां ऊंच नीच का बात हो रहा है वहां हम नहीं रहेंगे. आई डोंट डिजर्व दिस. म्यूजिक इंडस्ट्री में बच्चा बहुत अच्छा करियर बना सकता है एज ए ढोल. आगे ढोल पीछे तबले. हम आपको देख लेंगे कपू शर्मा रिपीट टेलीकास्ट में. वहां पे मिली हमको. मेहनत कर पहले. ये देख सब कितनी मेहनत करके पहुंचे. सलमान विनर बना है तो मेहनत करके. सलमान जैसे गा सकता है? आ तो गा लेंगे. इसमें कौन सा बड़ा बात है? हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाए, हो जाए, हो जाए, वो हो जाए, हो जाए, हो जाए. तो हम पेश करते हैं सलमान का गाना ना. लीजिए. वाह वाह. आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है. कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए. कम फ्रॉम विदिन सर. जोर लगाओ, जोर. जल्दी बुलाओ, कर लीजिए, कर लीजिए. कहाँ है वो? सर कहते हैं नाभि से गाओ तो ट्रैवल होएगा, टाइम लगेगा. इट्स ऑन द मूव. ये मैं हूँ हीरो तेरा. ये मैं हूँ हीरो तेरा. ये तो तू सलमान खान का गाना गा रहा है. सलमान खान शो के प्रोड्यूसर है, उनका गाना गाएंगे तो टिके रहेंगे. हम तो वही गाएंगे यार. हमको यार इतने बड़े बड़े सिंगर, अच्छे अच्छे सिंगर आए हुए हैं सर. आप लोग यहाँ पर हैं, हमको एक लोरी सुना के, मतलब एक तड़कता भड़कता सा लोरी सुनाइए. मतलब ऐसा दिल में जिगर में आग लग जाए. मतलब हमारा आइटम डांस निकल आए, कोई आइटम सॉन्ग टाइप का एकदम. मेरे बच्चे को गाना सुनना था. प्लीज सुना दीजिए, बाकी तन बदन में आग मैं खुद ही लगा दूंगी. नहीं,
तितली हमारी वाइफ है तितली तितली हम इनसे कह रहे थे कि कोई कबीर का दोहा हुआ सुनाओ अच्छा बात सुनाओ मतलब रोमांटिक गाने सुनने आपको नहीं नहीं आपको भजन भजन सुनाने का मर जाऊं आज तक मुझे तो कभी कोई रोमांटिक गाना सुनाया नहीं गाना दूर की बात पाजी आज तक उन्होंने रोमांटिक बातें नहीं की मेरे साथ अरे परसों तो ये रोमांटिक शेर सुनाए थे तीतर के दो आगे तीतर तीतर के दो पीछे तीतर तेरी भैंस का तीतर ये क्या है ये क्या गाने होते हैं अरे सिद्धू बाजी को देखो क्या शायरी सुनाते हैं बाजी मजा ही आ जाता है तो हमको भी वहाँ बैठा दीजिए फिर देखिए क्या शायरी निकलता है हमारे अंदर से भी बाजी मोटे की हिम्मत देखो सीधा मंत्री की कुर्सी पे नजर हाँ बाजी वाह इंडियन आइडल वालों इंडियन आइडल वाले ना मुझे लगा कि चाचा जी बनारस से बच्चे घुमाने लाए लेकिन मैं एक बात बोलूं ये मेरे पति हैं मेरी तो जिंदगी खराब हो गई इनसे शादी करके शादी से पहले पाजी वादे किए थे ये करूंगा वो करूंगा तो मैं अपनी पलकों पे बिठाऊंगा पर कुर्सी पे बैठ नहीं पाती है 8 कुर्सियां तोड़ चुकी है अब पलकों पे बैठाने का रिस्क लेगा कोई सारे सपने टूट गए विशाल जी मेरा सपना था जब मैं लड़की होती थी कि मेरी शादी हो उसके बाद मेरा पति ना मुझे बीवी और गर्लफ्रेंड का दोनों का प्यार दे मेरा पति साइकिल चलाए मैं डंडे पे बैठू साइकिल छू करे हम दोनों जाए कुछ भी नहीं हुआ बैठाया था डंडे पे 4 जेंट साइकिल को लेडी साइकिल बना चुकी है ये हर सोमवार के व्रत रखे इस बंदे के लिए लेकिन इसको कोई कदर नहीं है पाजी इसने ओ ना 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 क्या मैं रो थोड़ी रही हूँ ठीक आ रही है कुछ भी नहीं किया पाजी इसने मेरे लिए ए तितली क्या है इतना काहे गुस्सा करती हो थूक दो गुस्सा अरे यार क्या हुआ अरे असल में थूकने के लिए थोड़ी बोले थे ये बोलने का तरीका होता है सच में नहीं किया जाता ठीक है चलो कोई बात नहीं यार देखिए सर ये गुस्सा हो रही है आज देखिए हमारा जॉक्स का एक ना पिटारा रहता है हमारे पास जॉक्स होते हैं आपको जॉक सुनाते हैं लेकिन अपना जोक हम आज तितली को डेडिकेट करेंगे थोड़ा गुस्सा है ये सच्ची हाँ सच्ची तमीज में रह के सुनाना ऐसी कौन सी चीज है जो शादी से पहले किसी की भी हो सकती है लेकिन शादी के बाद सिर्फ पति की होती है पत्नी की नहीं क्या गलती यार कमाल हमारी गलती है ये तितली एक और सुनाते हैं सर ऐसी कौन सी जगह है हमको बताइए जहाँ पे अंग्रेजी में जाना होता है लेकिन हिंदी में लौटते हैं ये कौन सी जगह है गोवा गो आ आ गए सही आ गया चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तितली चलो हो गया मजा आया जोक बॉक्स सुना दिए बहुत ज्यादा बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का थैंक यू जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ भाजी मैंने नितिन के बारे में सुना है इसको आप कोई भी गाना दे दो इसको क्लासिकल में कन्वर्ट कर देता है अच्छा नितिन मैं आपको एक गाना देता हूँ आप उसको क्लासिकल में कन्वर्ट कर दो अच्छा जी जावेद भाई का गाना है पल पल ना माने टिंकू जिया हाय हाय इश्क का मंजन किसे है पिया इसको क्लासिकल में कन्वर्ट करके बताओ तब हम माने चल मैं कोशिश करता हूँ पल पल ना माने टिंकू जिया इश्क का है मंजन घिसे पिया क्या बात है क्या बात है अच्छा अलाबदारी में सलमान का भी जवाब नहीं सलमान गाना तुमने गाना है कुंडी ना खड़काओ राजा सीधा अंदर आ
Salman, please. कुंडी ना खड़काओ राजा वाह सीधा अंदर आओ क्या बात है वाह 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 सर इनके लिए क्या बात है क्या बात है भाई सुपर ये ऐसे ही सारा हिंदुस्तान उनको प्यार नहीं करता है बैठिए तो अब दोनों की जुगलबंदी आपको देखने को मिलेगी तो पेशे खिदमत है मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए हाय 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 क्या बात है यार क्या बात है वाह क्या बात है वाह मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए सजना तेनू अखियां उड़ीक दिया रामा तक तक थक गईया रामा तक तक थक गईया मैं ओ रामा थक गईया मैं बल्लियां बेबे थक गईया मैं रे रे थक गईया मैं एक एक पल दिल गिन के गुजारदा आजा परदेसिया आवाज पाए प्यार आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया सजना तेनू अखियां उड़ीक छेती आजा Da 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 da
आज एक आदमी ऊपर से तुम्हें आशीर्वाद दे रहा होगा, नुसरत फतेह अली खान साहब। आज उनकी याद दिला दी यार तुमने, छा गए गुरु तुम दोनों एक साथ, जफी फतेह छा गए यार, क्या बात है। कभी कभी नुसरत यार कमाल है यार, सुपर सुपर। मैंने मुन्नी को इस तरह से बदनाम होता हुआ कभी नहीं देखा। तुझे लग रहा है आज मुन्नी बदनाम नहीं हूँ, मुन्नी की इज्जत बन गई। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सर, आपको पता है आपके यहाँ पे बहुत सारे फैंस हैं और उनको ऐसा लगता है, कहते हैं कि अगर हमें सलमान अगर सिखाए या नितिन अगर हमें सिखाए या नीलांजना या अंकुश हमें सिखाए तो हम लोग भी उनके जैसा कॉपी कर सकते हैं। पर यहाँ पे लाइव डेमो देखना आपको, यहाँ पे कौन है, कौन है जी? आप सामने बैठ के देखो, विशाल भाई, जावेद भाई, ये तो देखना। अच्छा आप लोग यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे। अच्छा कौन कौन है, पहले तो हाथ खड़े करो जिन्होंने कहा था कि हम अलाप लगा सकते हैं। ओके, तो पहले एक वन बाय वन करेंगे, सलमान एक अलाप लगाएंगे, उसके बाद नितिन एक लगाएंगे, मतलब जो भी अलाप लगाएगा उसके बाद एक एक आदमी आप लोगों को कॉपी करना है। तो सबसे पहले कौन अलाप लगा रहा है जी, कौन आप लगा रहे हैं? माइक दे दीजिए भाई साहब को जी। आपका नाम क्या है? सुनील। तो सुनील कहाँ से आए आप? मैं माहिम से आया हूँ। क्यों? सर आपको देख ले। अरे सो स्वीट, पर आज इन्होंने महफिल लूट ली है ऑलरेडी। पर ये अलाप लगाएंगे और आप कॉपी कर सकते हैं, ऐसा आपको लगता है? हाँ सर। सलमान कुछ ऐसे अलाप कुछ भी थोड़ा छोटा सा, ये आपको कॉपी करेंगे। देना। हाँ जी देना। ओए, ओए, ओए। मुझे लग गया पता आप कीड़े निकालने आए अपना। आप बैठिए सुनील। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त जी? भाई साहब अच्छा ये लाप लगाना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ आप तंदूर में कुलचा लगाइए। जी नितिन। रेना रेना। नहीं काफी काफी हद तक है। हाँ मतलब क्या बात है, और विश्वास है। कपिल भाई, I swear, इंडियन आइडल के ऑडिशन होते हैं ना, तो यहाँ तो जो सिंगर आते हैं वो बेहतरीन होते हैं, यहाँ तो फिर बेहतरीन होते हैं। आज आपने फर्स्ट डे की याद दिला दी, क्या बात। आपने बहुत अच्छा खराब किया गाना, बहुत अच्छा खराब किया। वाह। थैंक यू सर, आपने नाम नहीं बताया अपना। जयशील गांधी। ओके जी, गांधी साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू। और कोई है मेरे दोस्त जो अलाप लगाना चाहते हैं? जी ये भाई साहब आ मेरे तोते जी। यश नाम है। यश, यश कहाँ से आए आप? घाटकोपर। घाटकोपर से। तो अंकुश थोड़ा सा अलाप लगाएंगे, आपको कॉपी करना है। सुना 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 सुना।
बात ये कॉम्पिटिशन अच्छी है. अच्छा कर रहा है बेचारा यार. नहीं लेकिन है ना देखो एक चीज और है कि जब है ना क्लासिक जब गाते हैं ना तो बिगनिंग में ना स्लोली स्लोली उसका प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद में ऐसा गाया जाता है जैसा अंकुश गाता है. अच्छा ये चीज मुझे नहीं पता चली है. ओके थैंक यू ब्रदर. जिनको लगता है कि हम लोग सिर्फ यही शो करते हैं, मैं उनको बता दूं कि हमने और भी बिजनेस खोल रखे हैं. मैंने अपनी दो दुकानें खोली हैं और वो दोनों दुकानें हैं यहाँ पे गोल्ड की आज आई हुई हैं. यार ये भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है. पहले भी आप हमारे शो में आए थे तो मैं पूछना भूल गया था आपका. अच्छा आपका नाम पहले बताइए. सनी. सनी बंटी. सनी और बंटी. कितने किलो होगा ये आपने जो पहना है? मेरा 4.5 किलो है. और आपका? 5.5 किलो है. अच्छा वाह. तो सनी बंटी आप जब पिछली बार मिले थे तब तो मेरे ख्याल से स्टडी कर रहे थे आप. पढ़ लिया सारा कुछ? अभी सब पढ़ लिया. आपको क्या जरूरत है, वैसे ही इतना भगवान ने दिया है आपको. आप तो पढ़ाओ हम जैसे को. पर बहुत अच्छा लगा यार आपको देख के. क्या स्टाइल है पाजी? सर हमारे सिंगिंग जूते वूते भी दिखा दे यार ऊपर चढ़ के. अच्छा शूज भी दिखाना. शूज भी गोल्ड के दिखाना यार. अरे क्या बात है. वाह क्या बात है भैया. अंडरवियर तो छोड़ा हुआ है. अच्छा सनी मैंने आपके बारे में एक सुना, मुझे अभी किसी ने टीम में से बताया कि आप लोग कुछ एनजीओ वगैरह भी कुछ चला रहे हैं. एनजीओ चालू किया है गोल्डन गाइस नाम के एनजीओ से. गोल्डन गाइस खोल के. तो उसमें क्या करते हैं आप? तो उसको गरीब लोगों को खाना देते. अच्छा रेलवे स्टेशन पे चिंचोड़ पिंपरी और पूना स्टेशन पे. क्या बात. अच्छा वेरी गुड. एवरीडे लंच रहता है हमारी तरफ से. वेरी नाइस. बहुत अच्छी बात है. खाली चेन ही सोने की नहीं, दिल भी सोने का इनका. बहुत अच्छा काम करते हैं. ऊपर वाला आपको आपको और दे और आप ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहें और खुश रहें. थैंक यू. लव यू बोथ. प्लीज. थैंक यू.